हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमारा 18 से 22 अप्रैल के बीच में एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड कब आ गया, हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो कैसे क्या सिस्टम अभी हुआ है, 100% या नहीं हुआ, फेक न्यूज़ चल रही, कैसा क्या हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमारा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की फाइनल मेरिट आनी है, उससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। और जो हमारा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो मेडिकल कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट टोटल 20 पॉइंट, लगभग एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का मेडिकल कैसे होता है, इस पर संबंधित मैंने वीडियो बना रखा, तो सारे पॉइंट्स आप लोग वहां पर देख सकते हैं ताकि आपका जब मेडिकल हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए हम आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण कि हमारा जो एडमिट कार्ड है, आप कुछ लोग बोले हमारा एडमिट कार्ड कब आएंगे, और कुछ ज़्यादा आपको पता होगा अब यूट्यूब में चलने लगा हमारा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला, तो इसका जरिए सबसे पहले संबंधित वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ कि आपको मैं बता दूँ, अभी तक कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं, केवल एक एग्जाम जो हमारा MPPSC और प्री का होना था वो एग्जाम हमारा अभी तक पोस्टपोन हुआ है, वो भी MP में। लेकिन आपको समझना क्या पॉइंट है, जो हमारा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके मेन सेंटर कौन कौन से हो गए, हमारा UP हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद हमारा दिल्ली हो गया, उसके बाद मैं आपको बता दूं हमारा दिल्ली हो गया, उसके बाद हमारा क्या हरियाणा राजस्थान हो गया। तो ये मेन सेंटर होते हैं हमारे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप को जो एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली हरियाणा हो गया हमारा और राजस्थान हो गया। और आपको पता है मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस इस समय मिल रहे हैं, तो मुंबई में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन वो भी पूरा अभी लॉकडाउन नहीं लगा है। तो आपको अभी एग्जाम के संबंधित जो हमारी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी अभी कोई भी अपडेट नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्वाइन IFBI पार्टनर इन नेशनल डिफेंस, इसमें भी अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है संबंधित। तो मैं आपको बता दूँ अभी कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है, आई एम ए भी, लेकिन पोस्टपोन होने के चांसेस आपके अब समझ लीजिए 60 से 70% हो चुके, क्योंकि काफ़ी राज्यों में लॉकडाउन लग चुका, कुछ स्कूलों जो हमारे स्कूल थे वो बंद हो चुके, UP के 1 से 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद हो चुके। तो और आपको पता होगा आपका एग्जाम 18 से 22 के बीच में होना, तो आपके एडमिट कार्ड अब आ जाने चाहिए, लेकिन आपके एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आए, आज 6 तारीख हो गई है, तो मे भी आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नेक्स्ट अपडेट आपको जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।